हेलो फूडीज, अ ग्रेट वेलकम बैक टू माय चैनल एट माँ की रसोई बाय माहिरा। आज मैं लेकर आई हूँ बढ़िया सी झटपट रेडी हो जाने वाली और बेहद स्वाद भरी व्हाइट चिकन मस्तानी ग्रेवी के साथ। डू वॉच आउट दिस रेसिपी अंटिल लास्ट एंड बिलीव मी इट टर्न आउट टू बी इमेंसली यम्मी। एंड इफ यू लाइक माय रेसिपी डू लेट मी नो डाउन इन टू द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, दो चम्मच के आसपास। तेल गर्म होने पे डालेंगे 5 अदद प्याज के, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज एकदम लाइट गोल्डन सी हो चुकी है। अब ये पॉइंट पे डालेंगे 12 से 15 जितने काजू, अगर आप चाहे तो आपके अंदाजन कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के दरमियान वाटरमेलन सीड्स, मगज, यहाँ पर मैंने काट के रखी है 1 हरी मिर्च, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके स्टव करेंगे बंद, ऐसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम रेडी करेंगे एक मिक्स, कर्ड, मलाई, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन मसाला, हरा मसाला, जिसको बेसिकली मैं बनाती हूँ धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन से। वो सभी को मिक्स करके अच्छे से फेंक लेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 बड़ी चम्मच मलाई, आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन मसाला, बारीक कटा हुआ धनिया, कोरिएंडर लीव्स। अब इन सारी चीजों को अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर इसको कवर रखकर एक साइड रख देंगे। पेस्ट बन के रेडी है। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और करीब 4 टेबलस्पून के तेल, 1 छोटी चम्मच भर के जीरा, थोड़े से पेपरकॉर्न, 2 अदद बड़ी इलायची के, 1 छोटा टुकड़ा सरसा, छोटे से बादियान के फूल। अब इसमें डालेंगे रेडी किए हुए प्योरे, एकदम अच्छे से मिक्स करें। इसमें काजू और मगज दरी ज्यादा है इसलिए थोड़ी चिपकेंगी, बट इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और फिर सब मसाले डालें। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये मेरा कमबैक है YouTube पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को माँ की रसोई बाय माहिरा को। अब 4 से 5 मिनट बाद डालें दही का मिश्रण, जो पहले रेडी करके साइड में रख दिया था। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। पॉइंट पर डालेंगे नमक 1 से 1.5 चम्मच तक, फिर डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 चम्मच के करीब और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, बिकॉज इसके पहले हरी मिर्च फिर व्हाइट पेपर पाउडर, तेज ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़ा सा कम डालेंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। ये पॉइंट पे डालेंगे बॉईल किए हुए चिकन, यहाँ मैंने चिकन 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 2 पेपरकॉर्न्स, सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के बॉईल कर लिए। इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख दें।
कितनी बेहतरीन ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, कुलचा, किसी के साथ भी। ट्राई करके देखें ये बेहतरीन अमेजिंग से रेसिपी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।